आज हम लोग बात करेंगे इन मोशन होस्टिंग के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन मोशन होस्टिंग के बारे में। इसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से, तो उसके बेसिस पे ये आज का एक डिटेल रिव्यू होने वाला है। हम लोग इसके स्पीड देखेंगे, लोड टेस्ट देखेंगे, अप टाइम देखेंगे कैसा रहा है, किनको इन मोशन होस्टिंग लेनी चाहिए, ए टू जेड सब कुछ आज के इस वीडियो में। टेस्टिंग पैरामीटर्स के बारे में बात करूं तो जो प्लान मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो है ये वाला पावर प्लान। यहाँ पे जो वेबसाइट सेटअप करी है ये रही, ओशन WP थीम के ऊपर है। जिम बेस्ड टेम्पलेट का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, एलिमेंटोर बेस्ड ये टेम्पलेट है, और यहाँ पर कोई भी मैंने सेपरेट कैश प्लगइन का नहीं यूज़ किया है, जो इनकी तरफ से आता है बाय डिफॉल्ट सिर्फ वही है। यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करूं तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा, एंड इट इज़ नॉट अ मॉडर्न इंटरफेस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिगनर्स को, जैसे अगर मुझे सी पैनल पे जाना है तो फिर यहाँ से मैं सी पैनल पे जा सकता हूँ। तो इट इज़ नॉट द मोस्ट मॉडर्न लुकिंग इंटरफेस आउट देयर। इस पर यहाँ पर थोड़ा काम किया जा सकता है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर US के सर्वर है, तो US में सर्वर रिस्पॉन्स टाइम कम है, मुंबई आते आते थोड़ा बढ़ जाता है। स्पीड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे न्यूयॉर्क से स्पीड मिली है वो है 567 ms की, अंडर 1 सेकेंड ये स्पीड मुझे देखने को मिली है, जो कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पीड्स दैट आई हैव विटनेस्ड इन अ शेयर्ड होस्टिंग प्लान। US में मैंने यहाँ पे कोई सेपरेट कैश प्लगइन भी नहीं यूज़ किया है, सिर्फ जो इन्हीं का कैश मैनेजमेंट सिस्टम था, डिफॉल्ट सेटिंग्स पे मुझे ये वाली स्पीड्स देखने को मिली है एलिमेंटोर बेस टेम्पलेट पर, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, कोई डाउट नहीं है इसमें। मुझे इंडिया की स्पीड भी यहाँ पर मुझे अंडर 3 सेकेंड देखने को मिली है, तो स्पीड के मामले में इट इज़ रियली गुड। इन मोशन होस्टिंग इज़ रियली फास्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। अब अगर यहाँ पर मैं इसके अप टाइम के बारे में बात करूँ तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ अराउंड 151 डेज से, आप यहाँ पर जो मुझे मिला है वो है 99.96%, लास्ट 30 डेज़ का 99.98% है। ज़्यादा इसका अप टाइम रहा नहीं है, एक इंसिडेंट है जो थोड़ा बड़ा है, बाकी उसको छोड़ के इट इज़ रियली गुड। 99.96% इज़ गुड। एंड अगर आपको डिटेल्ड अप टाइम डेटा चाहिए तो वो आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसको हर महीने यहाँ पर अपडेट भी किया जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसके लोड टेस्ट के बारे में बात करूँ तो अराउंड यहाँ पे मैंने 50 वर्चुअल यूज़र्स भेजे US लोकेशन से देखने के लिए कि ये लोड टेस्ट कैसे हैंडल करता है। अराउंड यहाँ पे 9500 रिक्वेस्ट करी, कोई भी फेलियर नहीं हुआ, पीक रिक्वेस्ट भी यहाँ पे 50 टच कर गई थी, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम वॉज अंडर 10 ms, तो लोड टेस्ट भी यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे से पास कर लिया है। रिस्पॉन्स टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पाइक्स नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लोड टेस्ट भी इसने पास किया है। कैश मैनेजमेंट की बात करूँ तो इनकी तरफ से एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको कैश मैनेजर देखने को मिल जाएगा जैसे हम लोग इनके सी पैनल पे जाएंगे। तो अब यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर अगर आपको पर्च करना है पर्च कर सकते हो, ऑप्शंस पे जाते हैं और कौन सी प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ज़्यादा एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आपको एट प्रेजेंट इसमें नहीं देखने को मिलते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी रहेगी। अगर आप लोग एक ब्लॉग रन कर रहे हो तो जो इनकी डिफ़ॉल्ट कैश सेटिंग्स है वही यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें दे रहे हैं। डेटा सेंटर्स के बारे में बात करूँ तो जो इनका डेटा सेंटर है वो सिर्फ US में ही है, एशिया सिंगापुर में आपको इनका कोई डेटा सेंटर नहीं मिलेगा। डोमेन नेम की बात करूँ तो आपको 1 साल का डोमेन नेम यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। टेम्परेरी डोमेन नेम के बारे में बात करूँ तो जैसे ही हम लोग इन लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अकाउंट टेक्निकल डिटेल्स पर, एंड यहाँ से आपको एक टेम्परेरी डोमेन नेम मिल जाएगा आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, ये रहा टेम्परेरी URL। बैकअप और रिस्टोर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक रिमोट पेड बैकअप सर्विस देखने को मिलती है। जी हाँ, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अराउंड $2 per month। इट्स अ रिमोट सर्विस, मतलब जो भी आपके बैकअप्स रहेंगे वो एक दूसरे सर्वर पर स्टोर रहेंगे, जो कि अच्छा है। इसको एक्सेस करने के लिए हमें जाना है सी पैनल पे, सी पैनल पर आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा बैकअप मैनेजर, यहाँ से हम लोग इजीली बैकअप्स को ले सकते हैं, बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये अगर मैं कुछ अपने पुराने बैकअप्स बता दूँ तो ये कुछ पुराने बैकअप्स है जो इसने मेरे लिए हैं। अब यहाँ से मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से फाइल्स को रिस्टोर करना है, रिस्टोर मेथड कैसा रहेगा, MySQL करना है रिस्टोर कि नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं ऐसे देख सकता हूँ। बैकअप कब मुझे शेड्यूल करना है, 3 दिन में, या फिर मैं चाहूँ तो इसको रोज़ भी शेड्यूल कर सकता हूँ, मुझे रिस्टोर करना है कि नहीं करना है। तो बैकअप मैनेजमेंट यहाँ पर अच्छा है, और ऑफ सर्वर भी है, इजीली भी हो जाता है, यहाँ पे वन क्लिक भी है। मैनुअल बैकअप का हालांकि मुझे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो बैकअप सर्विस इनकी अच्छी है लेकिन आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चैट सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये थोड़ा स्लो था, अराउंड मुझे 10 से 15 मिनट तक लग गए थे रिस्पॉन्स लेने में, और रिस्पॉन्स लेने के बाद भी जो क्वेरीज को रिजॉल्व करने का टाइम था वो यहाँ पर थोड़ा स्लो था।
हालांकि जो इनका सपोर्ट क्वालिटी थी वो अच्छी थी, लेकिन जो टाइम ये लोग ले रहे थे वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले रहे थे। जैसे मैंने एक SSL के बारे में पूछा, जब तक इसने मुझे SSL के बारे में देख के बताया तब तक तो मैंने खुद ही जाकर के एक्टिवेट कर लिया था, और काफ़ी टाइम बाद यहाँ से मुझे रिप्लाई आया कि वो वर्क कर रहा है। मुझे पता है वो वर्क कर रहा है, आपने काफ़ी टाइम ले लिया यहाँ पर। इनोड काउंट की बात करूँ तो इनोड काउंट की यहाँ पर आज सच कोई हार्ड लिमिट नहीं है इनकी सपोर्ट टीम के अकॉर्डिंग। अब इससे पहले यहाँ पर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि InMotion होस्टिंग ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इससे मुझे हेल्प मिलती है कि मैं इस तरह के यहाँ पर डेडिकेटेड रिव्यूज़ कर पाऊँ, इन होस्टिंग को परचेस कर पाऊँ, रिव्यू कर पाऊँ, टेस्ट कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करके। थैंक यू। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको दो प्लान है जो मैं सजेस्ट करूँगा, वो रहेगा लॉन्च और पावर। जो बेस्ट प्लान रहेगा वो रहेगा पावर। जो भी मैंने अपनी टेस्टिंग करी है वो पावर प्लान पर ही करी है। एट प्रेजेंट ये $5 पर मंथ का मिल रहा है 3 साल के लिए जब हम लोग इसे लेंगे तो, बट इसके प्राइजेस बढ़ सकते हैं। एट प्रेजेंट ये थोड़ा डिस्काउंट में भी है। डेटा सेंटर हमें सिर्फ यहाँ पर US का ही मिलता है। WordPress इंस्टॉलेशन इज फ्री, डेडिकेटेड IP की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैकअप मैनेजर यहाँ पर रहेगा, तो अगर आपको बैकअप मैनेजमेंट चाहिए तो इसके लिए आपको $2 पर मंथ यहाँ पे देने पड़ेंगे 10 GB बैकअप स्टोरेज के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी वेबसाइट है तो WordPress वेबसाइट है जिसपे अच्छी खासा आपका रेवेन्यू हो रहा है, और अगर आप लोग InMotion होस्टिंग के साथ में जा रहे हो तो बैकअप मैनेजर ज़रूर से परचेस कर लीजिएगा। पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का आप लोग यूज़ कर सकते हो, PayPal के भी ऑप्शन है। रिफंड पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90 डे तक की रिफंड पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन होस्टिंग इंडस्ट्री। होस्टिंग इंडस्ट्री में जो मैंने मैक्सिमम देखा है वो है 45 डेज़ का। फिर A2 होस्टिंग आती है जो प्रो राटा बेसिस पे रिटर्न देती है, लेकिन यहाँ पर आपको 90 डेज तक का रिफंड पॉलिसी देखने को मिल रहा है जो कि एक्सेप्शनल है। ऐसा कोई भी मैंने आज तक होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं देखा जो आपको इतने दिन तक की गारंटी दे रहा हो। माइग्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको cPanel ट्रांसफर मिल जाएगा, या फिर 3 वेबसाइट तक ये लोग माइग्रेट करके दे देंगे। साथ में ये लोग ईमेल और FTP भी माइग्रेट करके दे रहे हैं, सो दैट्स रियली गुड। साइट बिल्डर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक्चुअल में साइट बिल्डर नहीं है, बट यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बोल्ड ग्रेड का सपोर्ट। बोल्ड ग्रेड एक साइट बिल्डर ही है जो वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है, तो वर्डप्रेस के ऊपर जो साइट बिल्डर बना हुआ है वो बोल्ड ग्रेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग वेबसाइट्स को काफ़ी ईजिली बना सकते हो। सो ये एक तरह का साइट बिल्डर ही है बट ये बना हुआ है वर्डप्रेस के ऊपर। बोल्ड ग्रेड की जो कॉस्ट है वो यूजुअली आती है $60 पर ईयर की, लेकिन अगर InMotion होस्टिंग के साथ में जाते हैं तो आपको यहाँ पे बोल्ड ग्रेड फ्री में मिल जाता है, आप लोग उसके सारे फीचर्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो InMotion होस्टिंग में आपको बोल्ड ग्रेड का सपोर्ट मिल जाएगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको Nginx के सर्वर्स देखने को मिल जाएंगे, और PHP है, MySQL है, लेकिन यहाँ पर आपको Python, Node.js का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। अब इससे पहले यहाँ पर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ, अगर अभी तक का आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसके कुछ प्रोज के बारे में बात करूँ तो जो उसकी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर फॉर अ शेयर्ड होस्टिंग। लोड हैंडलिंग इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से करी है, बैकअप सर्विस भी इनकी अच्छी थी, अपटाइम भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, और जो इनकी रिफंड पॉलिसी है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। 90 डे की रिफंड पॉलिसी मैंने नहीं देखी आज तक। प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है और बोल्ड ग्रेड का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है अगर आपको साइट बिल्डर का यूज़ करना है तो। अब अगर यहाँ पर मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। इट इज़ नॉट बिगनर फ्रेंडली। बैकअप चार्जेस यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। सपोर्ट इनका थोड़ा स्लो है, और जो इनके डेटा सेंटर है वो सिर्फ US में ही है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, अगर आपकी ऑडियंस आ रही है US से तो फिर आप लोग InMotion होस्टिंग की तरफ यहाँ पर देख सकते हो। आपको अच्छी स्पीड देखने को मिल जाती है, लोड हैंडलिंग मिल जाती है, अपटाइम अच्छा देखने को मिल जाता है, तो InMotion होस्टिंग को यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि जो इनके बैकअप चार्जेस हैं उसको ऐड करने के बाद ये थोड़े एक्सपेंसिव हो जाती है, और बिगनर्स के लिए ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर होस्टिंगर और केमी क्लाउड, फास्ट कॉमेट, इन सारी होस्टिंग की तरफ नहीं जाना है तो फिर आप लोग InMotion होस्टिंग की तरफ देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सपोर्ट थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा। अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग InMotion होस्टिंग की तरफ जा सकते हो, आपको US में काफ़ी अच्छी स्पीड्स देखने को मिलेगी फ्रॉम InMotion होस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, डिस्काउंटेड लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।